चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं लेसन टू के दूसरे वीडियो में, जिसमें रहेंगे माप, डिवाइडर, कैलिपर, सेंटर पंच, हैमर आदि। तो ये जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये आने वाले नेक्स्ट एग्जाम जो यूपी आरवीयूएनएल वार्क या किसी सजाई विभाग के पेपर में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप हमारे पूरे वीडियो को देखिए और हमारे चैनल फिटर फाइटर को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ जाए तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप जो भी क्वेश्चन समझिए वो एकदम बिल्कुल बारीकियों से समझिए, क्योंकि क्वेश्चन बारीकियों से समझोगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। यदि बारीकियों से नहीं समझोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस हो सकते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन को थोड़े से में ही आंसर चेंज हो जाता है, इसलिए आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रणाली, निम्न में ब्रिटिश प्रणाली का सही विकल्प बताओ। हमें ब्रिटिश प्रणाली जो होती है दोस्तों, वो सबसे पहले समझना पड़ेगी कि जो ब्रिटिश प्रणाली होती है वो ब्रिटिश प्रणाली होती है FPS प्रणाली। इसमें होता है फुट पौंड सेकंड। तो जो हमारी ब्रिटिश प्रणाली रहती है उसे हम FPS प्रणाली के नाम से जानते हैं। हम ऑप्शन देख लेते हैं, आप लोगों ने इसका सही आंसर लगाया होगा तो मैं बता देता हूँ। यदि आपने इसका आंसर फर्स्ट आंसर लगाया है MKS प्रणाली तो ये आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा आंसर आपने लगाया है CES प्रणाली तो ये भी गलत हो जाएगा। यदि आपने तीसरा आंसर लगाया है तो आपका आंसर राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश प्रणाली जो होती है वो FPS प्रणाली होती है। और दोस्त, यदि आपने चौथा आंसर लगाया है SI प्रणाली तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो SI प्रणाली होती है ये पूरे विश्व की प्रणाली होती है, इसे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं। और आगे की जो दो प्रणाली होती हैं इन प्रणालियों को मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। जो MKS का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS का सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये दोनों ही मीट्रिक प्रणाली होती है। FPS प्रणाली जो होती है ब्रिटिश प्रणाली होती है। तो इसका थर्ड आंसर जो है यदि आपने लगाया है तो आपका आंसर राइट आंसर होगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है ताप मापने की इकाई है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर मेजर, यानी कि हम टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं। तो दोस्त, टेम्परेचर को जो हम मेजर किया जाता है इसकी चार इकाइयाँ होती हैं, जिसमें जैसे सेल्सियस होता है, फारेनहाइट होता है, रूमर होता है और केल्विन होता है। तो पहले मैं चारों के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये चारों ही ताप मापने की इकाई है। तो फर्स्ट आंसर आपने लगाया है तो फर्स्ट भी सही है, दूसरा लगाया है दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, यानी ये चारों मात्रक ताप मापने के होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है फिफ्थ आंसर राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑल। लेकिन कब कैसा क्वेश्चन आएगा तो आप लगाओगे, तो दोस्त जो SI प्रणाली होती है हमारी, तो SI प्रणाली में ताप मापने की इकाई जो होती है वो केल्विन होती है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में। लेकिन NCL के पेपर में इसको गलत किया गया है दोस्त, ये बहुत ही बुरी तरह गलत क्वेश्चन हुआ है। जबकि SI सिस्टम में हमेशा ही ताप मापने की इकाई केल्विन होती है और केल्विन ही आंसर होना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम कभी कभार आते रहते हैं, जैसे इसमें आ जाता है भट्टी का टेम्परेचर किसके द्वारा नापा जाता है, तो भट्टी का टेम्परेचर पायरोमीटर से नापते हैं, और वो किस में नापा जाता है, वो सेल्सियस में नापा जाता है भट्टी का टेम्परेचर। ठीक है, तो दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर ऑल हो जाएगा, क्योंकि ताप सभी में नापा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, 100 डिग्री सी को फारेनहाइट में चेंज कीजिए। ये क्वेश्चन हमारे सिंचाई विभाग या यूपी आरवीयूएनएल के पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं थर्ड क्वेश्चन हल करता हूँ। आप इसको हल कीजिए, आंसर टिक कीजिए, तब तक मैं इसको हल करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए दोस्त एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको। C/5 बराबर F-32/9। ये फॉर्मूला मैंने लिखा सी और एफ़ का। क्यों लिखा दोस्त सी और एफ़ का? क्योंकि इसमें हमें कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन करना है सी का और एफ़ का, तो हम सी और एफ़ का ही लिखेंगे। यदि सी और आर का होता है तो हम सी और आर का लिखते, आर और के का होता है तो हम आर और के का लिखते। इसमें चार का एक फॉर्मूला होता है, मैं नीचे अभी लिख के आपको बता दूंगा, लेकिन मैं पहले सी और एफ को हल करता हूँ। सी की जगह देखिए इसमें 100 दिया गया है, तो सी की जगह हम 100 रख देंगे, 100/5 बराबर F-32/9। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, पहले ऐसा कर रहे हैं 5 से 1 कट जा रहा है, तो 5 एक 5 और 5 का इसमें 20 हो जाएगा। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 1 का गुणा होगा इस F-32 में, तो ये F-32 ही हो जाएगा, और 20 का गुणा होगा इस 9 में, तो 20 नंबर 180 हो जाएगा। अभी 32 इधर आएगा तो इसमें 32 ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल जाके हमारा 212 डिग्री अप हो जाएगा। तो यदि आपने इसका ए आंसर लगाया तो गलत है, बी लगाया तो गलत है, और यदि आपने इसका 212 डिग्री एफ लगाया तो इसका राइट आंसर थर्ड आंसर हो जाएगा। कोई नहीं इसका होगा नहीं, तो इसका थर्ड आंसर राइट आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताप पर सी और एफ के मान बराबर होते हैं? तो दोस्त ये क्वेश्चन मैं
कई बार अपने वीडियो में भी बता चुका हूँ और आगे भी मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे उसमें एक क्वेश्चन अलग तरीके से बताऊंगा मैं। तो अभी इसमें मैं बताता हूँ सी और एफ के मान। तो दोस्त -40 डिग्री पर ये सबको याद होना चाहिए, सी और एफ के मान बराबर होते हैं। तो इसका सेकंड आंसर राइट आंसर होगा। यदि आपने फर्स्ट लगाया तो गलत हो जाएगा, थर्ड लगाया गलत हो जाएगा, फोर्थ लगाया गलत हो जाएगा, क्योंकि -40 ही इसका आंसर होता है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं और बताने वाला हूँ, उसको आप लोग रट कर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो किताबों में नहीं लिखा गया है। जैसे ये है, ये पूछा गया है कि किस टेम्परेचर पर एफ और के मान बराबर होते हैं। दोस्त ये क्वेश्चन मैं ये कह सकता हूँ कि आईटीआई वाले बच्चों में से कम 90% बच्चे इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं। और यदि आप जानते हैं तो आप हल करिए और हमें आंसर बताइए, मैं जब तक इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सी और एफ और के बताना है, सी और एफ नहीं बताना है। दोस्त यदि सी और एफ होता, सी और एफ होता तो इसका आंसर जो है बी हो जाता, लेकिन ये बी नहीं होगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर इसका होगा। तो हम इसको लगाते हैं, पहले हमें एफ़ और के का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो एफ़ और के का फॉर्मूला होता है f-32/9 बराबर होता है k-273/5। अब हमें इसको बराबर करना है, तो हम एफ़ और के की जगह दोनों की जगह एक्स एक्स रख देंगे। तो इधर भी हम एक्स रख देंगे, इधर भी एक्स रख देंगे। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्योंकि हमने एफ़ और के को बराबर करना, दोनों की जगह एक्स एक्स रखेंगे। हम 5 का गुणा इसमें करेंगे, 9 का गुणा इसमें करेंगे, 5 का गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 5x-160 और इधर हो जाएगा 9x और हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा 9 का, 9 का गुणा करना पड़ेगा 273 में। तो 9 × 3 = 27 की 7 हासिल 2, 9 × 7 = 63, 64 × 65 = 65, 9 × 6 = 19, 18 × 6 = 24। ये 2457 हो जाएगा। अभी 9x आएगा इधर, 160 जाएगा इधर, तो माइनस का इधर 4x बचेगा और 160 इधर जाएगा, तो हमारा 160 प्लस का हो जाएगा, जबकि माइनस के 2457 है। तो ये प्लस का 160 इसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस के 2457 रहेंगे और प्लस का 160 आ जाएगा, तो ये अलग अलग हो जाएंगे तो घट जाएंगे। तो हम इसमें से 160 माइनस कर देंगे 160, तो इसमें आ जाएगा 7, 15 से 6 गया 9 और इधर आ गया 2, तो ये हो गया हमारा कितना 2297 माइनस का। माइनस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 4 का हम इसमें भाग दे देंगे, तो इसका 4 का जब हम भाग देंगे इसमें तो आएगा इसका आंसर 4×5=20 और 4×5=20 = 22 और 4×7=28 429 लगभग हमारा आंसर आएगा 574 डिग्री। तो इसमें दोस्त 574 डिग्री आप याद कर लीजिए। क्या याद कीजिए कि फारेनहाइट और केल्विन किस डिग्री पर बराबर होते हैं, तो ये 574 डिग्री पर बराबर होंगे, तो इसका फोर्थ आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन किसी किताबों में नहीं मिलेगा कि किस पर, किस टेम्परेचर पर फारेनहाइट और केल्विन बराबर होते हैं। आपको इसी तरीके से, मेरे तरीके से लगाना पड़ेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि एफ़ और के पूछा तो हम एफ़ और के का फॉर्मूला लिखेंगे और फिर एफ़ और के दोनों की जगह एक्स एक्स वैल्यू रख देंगे, क्योंकि दोनों को हमें बराबर करना है और आप सॉल्व कर सकते हो अपने तरीके से, लेकिन आंसर यही आएगा लगभग 574 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, एक रेडियन का मान डिग्री में कितना होता है। तो दोस्त ये क्वेश्चन जो है ये भी आपको किताबों में मिल जाएगा। तो एक डिग्री रेडियन का जो मान होता है वो डिग्री में होता है 57.3 डिग्री। ये क्वेश्चन आप रटे होंगे, याद करे होंगे, तो इसका आंसर जो है फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा, इसका आंसर जो है थर्ड आंसर राइट आंसर हो जाएगा, 57.3 डिग्री, फोर्थ इसका गलत आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ सेवेंथ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन NCL में आया था कि 45 डिग्री का मान कितने रेडियन के बराबर होता है, यानी 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितने रेडियन होती है। तो सबसे पहले हमें आपको डिग्री से रेडियन में सिखाएंगे, तो कैसे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्त जो हम रेडियन में वैल्यू चेंज करते हैं वो π/180 से होती है। आप इसको ध्यान से सीख लीजिए, रेडियन की वैल्यू आती है वो π/180 से आती है, वो डिग्री की वैल्यू आती है वो 180/π से आती है। ध्यान करिए, डिग्री इसमें ऊपर है तो डिग्री में आएगा ये आंसर, तो हमें ये डिग्री का, इसमें ऊपर रेडियन की वैल्यू है, रेडियन की वैल्यू ऊपर, तो इसका आंसर जो आएगा वो रेडियन में आएगा। तो आपको कब क्या कन्वर्ट करना है ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें हमारा आंसर डिग्री में है लेकिन रेडियन में इसको हमें बदलना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें हमारा ये वाला सूत्र काम करेगा π/180 जब हमें रेडियन में आंसर निकालना हो, और जब डिग्री में आंसर निकालना होगा तो हम ये नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अभी ये नीचे वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, अभी हमारा लगेगा π/180। तो जब हमने इसमें π/180 लिखा और 45 डिग्री को चेंज करना है तो इसमें 45 का गुणा कर देंगे, जब इसको काटेंगे तो ये π/4 आ जाएगा, लेकिन हमारे जो ऑप्शन दिए गए वो π/4 में ही दिए गए हैं, तो हमारा ये सेकंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा π/4। लेकिन जो NCL में आया था उसमें π/4 ऑप्शन किसी में नहीं था, तो हमें उसको कैसे करना पड़ेगा, पाई की वैल्यू रखना पड़ेगी 22/7 और नीचे 4 का 4 रहेगा। अब हम इसको जब हल करेंगे सच को 28 हो जाएगा नीचे, 22 हो जाएगा ऊपर, तो हम 22/28 को जब हल करेंगे तो हमारा 0.7 कुछ आंसर आएगा। तो इसी प्रकार से एक ऑप्शन NCL में था, π/4 ऑप्शन नहीं थे, लेकिन π/4 को जब हम पाई का मान 22/7 रख के बटे में 4 लिख के हल करेंगे तो 0.7 कुछ आंसर आएगा, और हमारे NCL एग्जाम में ये था और आप लोगों ने, कई लोगों ने सही भी किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प पहचान में कि एक डिग्री का मान क्या 60 सेकंड होता है, तो दोस्त गलत होता है। एक डिग्री का जो मान होता है वो 60 मिनट होता है, ये भी एनसीएल में आया था। और एक मिनट का मान जो होता है वो 60 सेकंड होता है, तो अगर हम एक डिग्री का पूरा निकालेंगे तो ये 3600 सेकंड हो जाएगा, तो हमारा पहला जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। एक माइक्रोन का मान 0.001 mm होता है, तो दोस्त ये सेकेंड आंसर जो लिखा हुआ है ये सेकेंड आंसर सही आंसर हो जाएगा। एक माइक्रोन होता है वो 0.00, ये इसमें लिखा थर्ड ऑप्शन में लिखा एक समकोण 100 ग्रेड, तो दोस्त ये गलत लिखा हुआ है, सॉरी 90 ग्रेड लिखा हुआ है इसमें, लेकिन जो हमारा सही होता है वो 100 ग्रेड होता है, तो हमारा थर्ड आंसर गलत आंसर होता है। एक चीज़ मैं आपको इधर बताने वाला हूँ कि UPRVNL में ये ग्रेड का क्वेश्चन हमेशा आता है, तो दोस्त जो हमारा ग्रेड चलता है वो 100 का चलता है, 90 का नहीं चलता है। एक समकोण जो होता है वो 100 ग्रेड का होता है, और डिग्री कितने का होता है, ये होता है ग्रेड 100 ग्रेड, वो डिग्री होता है 90, इसलिए ध्यान रखना है कि आप समकोण देख कर 90 मत लगा देना, सो समकोण होता है वो 100 ग्रेड का होता है। इसके बाद SI में ताप की इकाई डिग्री सी होती है, तो ये चौथा ऑप्शन भी गलत लिखा हुआ है, ताप की इकाई SI सिस्टम में K होती है। दोस्त आपको ध्यान रखना है, मैं सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे उसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद 12 वर्ग फुट में कितने वर्ग इंच होते हैं ये हमें बताना है, तो दोस्त मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारे NCL में आया था तो घन मीटर का आया था और हमें घन फुट में इसको बताना था, ये क्वेश्चन आया था हमारे NCL के एग्जाम में, तो इसीलिए मैंने वर्ग का भी बनाया। तो हमें देखिए इसमें 12 वर्ग फुट में कितनी वर्ग इंच, पहले हमें एक फुट में इंच देखना पड़ेंगे, तो एक फुट में होते 12 इंच। अब इसको हमें स्क्वायर करना है, तो दोनों तरफ को हम स्क्वायर करेंगे, तो एक फुट स्क्वायर बराबर आएगा 144 वर्ग इंच, ये आएगा इतना। अब हमें वर्ग इंच एक को तो चेंज करना नहीं, हमें चेंज करना कितने को, 12 को, तो 12 का इसमें हम गुणा करेंगे, 144 में इंटू 12 करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1728। तो इसका आपने ये आंसर लगाया होगा यदि, तो आपका आंसर सही आंसर होगा, 12 वर्ग फुट में 1728 वर्ग इंच होते हैं। यदि आपने सेकंड लगाया तो गलत हो जाएगा, थर्ड लगाया तो गलत हो जाएगा, फोर्थ लगाया तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, एक मीटर में कितने इंच होते हैं। दोस्त ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, कभी भी एग्जाम में आता रहता है, तो एक मीटर को हमें इंच बताना है, फुट नहीं बताना है। तो एक मीटर में जो हमारे इंच होते हैं वो 39.37 होते हैं, तो इसका डी आंसर सही आंसर होगा। जो 3.381 लिखा है ये नहीं होता है, 3.281 लिखा हुआ है, ये दूसरे नंबर पर, ये फुट का होता है। यदि एक मीटर में फुट पूछा जाएगा तो 3.281 हो जाएगा, और 3937 ये किसी का नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपने यदि फुट लगाया है तो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे प्यारे मित्रों मैं एक आपको बात बताने वाला हूं कि अभी आप लोगों ने, कई लोगों ने पेपर देना शुरू किया है, कई लोग काफ़ी समय से दे रहे हैं, तो दोस्त मैं ये कह सकता हूं ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, आपको लड़ते रहना है और ज़रूर सफल होना है। तो दोस्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में अप्रत्यक्ष मापी यंत्र बताओ, हमें ऐसी यंत्र का नाम बताना है जो अप्रत्यक्ष मापी है। तो अप्रत्यक्ष मापी क्या होता है दोस्त, अप्रत्यक्ष मापी वो होता है जिसमें कोई भी ग्रेजुएशन नहीं रहती है, ग्रेजुएशन नहीं होना चाहिए उस पर, यदि ग्रेजुएशन होगी तो प्रत्यक्ष मापी हो जाएगा। तो मैं देख लेता हूँ, उसमें पहले नंबर पर कैलीपर दिया है, तो कैलीपर दोस्त इस तरीके का होता है, तो कैलीपर में कोई ग्रेजुएशन नहीं होती है। क्या नेक्स्ट में कोई ऑप्शन पढ़ के देख लेता हूँ, वर्नियर कैलीपर में ग्रेजुएशन होती है, वर्नियर प्रोट्रैक्टर में ग्रेजुएशन होती है चांदे में, और जो हमारा प्रोट्रैक्टर होता है उसमें भी ग्रेजुएशन होती है। तो हमारा अप्रत्यक्ष मापी जो यंत्र है वो फर्स्ट आंसर यदि आपने लगाया है कैलीपर, कैलीपर अप्रत्यक्ष मापी यंत्र होता है, ये स्टील रूल की मदद से कार्य करता है, चाहे इससे कोई माप को चेक करना हो या किसी इंटरनल आईडी को चेक करना हो, ओडी को चेक करना हो, ये सारी चीज़ें स्टील रूल की मदद से की जाती हैं, इसलिए हमारा जो कैलीपर होता है आउटसाइड इनसाइड ये सारे अप्रत्यक्ष मापी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडिंग हमें इसमें पढ़ना है दोस्त, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमें कोई भी स्टील रूल से रीडिंग पढ़ना है, तो एक दोस्त रीडिंग पढ़ के इसका आप आंसर लगाइए, क्या रीडिंग इसमें भरी गई है। और इसमें एक और ध्यान दीजिए, इसमें जो रीडिंग लगाई गई है वो 10 से लगाई गई है, तो आप 10 का ध्यान रख के पढ़िए, तो मैं भी पढ़ता हूँ आप भी पढ़िए। देखिए इधर तक ये हो गया हमारा 10, ये हो गया 20, लेकिन 30 नहीं हो रहा तो 29 हो रहा है। तो यदि आपने फर्स्ट आंसर इसका आंसर लगाया है तो इसका 29 mm सही आंसर हो जाएगा, 30 mm इसका गलत हो जाएगा, आपने लगाया दी 31 गलत हो जाएगा, 40 गलत हो जाएगा। तो ध्यान रख के आपको रीडिंग पढ़ना है, देखिए इधर से लेके इधर तक जो है 30 होना चाहिए, लेकिन 1 mm इसका कम है क्योंकि हमारा जॉब का किनारा 1 mm कम जा रहा है, तो 29 mm राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए कैलीपर को हम सेट कर रहे हैं, ये कैलीपर कौन सा है, आउटसाइड कैलीपर है क्योंकि इसकी लेग्स अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, तो ये आउटसाइड कैलीपर है, तो इसको हमें सेट करना है, तो किस प्रकार से ये सेट किया जा रहा है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें किस तरीके से। देखिए सर, इसमें जो हमारा एक तक आया है, एक तक, तो ये एक तक हो गया 10 mm, और ये दो तक हो गया 20 mm, वो बीच बीच में जो छोटे छोटे निशान बने हुए हैं वो सब डिवीजन के बने हुए हैं, वो 0.5 mm का होता है दोस्त। तो इस तरीके से देख लेते हैं इसमें कितना निशान बना हुआ है,
ये जो हमारी रीडिंग लिखी, रीडिंग जो भरी गई है दोस्त, ये हमारी इंच में रीडिंग भरी गई है, तो इसमें जो हमने ऑप्शन दिए गए हैं वो mm में दिए, तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ये सारे ऑप्शन गलत हैं, इंच की रीडिंग है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो एक इंच में 8 सूट होते हैं, तो देखिए एक से, ये मैं कैसे समझा कि ये इंच में भरी गई है, ऐसे समझा क्योंकि 2 और 3 के बीच में 8 निशान हैं, यानी एक इंच में कितने सूत होते हैं दोस्त, एक इंच में जो सूत होते हैं वो 8 सूत होते हैं, इसलिए मैं समझ गया कि ये जो पटरी जो है वो इंच वाली पटरी है, क्योंकि 0 से 1 तक 8 निशान है, 1 से 2 तक 8 निशान है, और 2 से 3 तक 8 निशान है, तो ये जो हमारी रीडिंग है वो इंच में भरी गई, क्योंकि एक इंच में 8 सूत होते हैं, 10 नहीं होते हैं, तो जो मैंने रीडिंग लिखी थी वो 10 वाली लिख दी थी धोखे से, गलती से, तो एक इंच में 8 सूत होती है। तो दोस्त ये हमारा जो कैलीपर जा रहा है वो 3 इंच तक पूरा पूरा जा रहा है, और इसमें देखिए इसमें 2 सूत और जा रहे हैं, तो इसकी जो हमारी रीडिंग हो जाएगी वो होगी 3 इंच और कितने निशान, 2 निशान जा रहे, तो 2 सूत, तो ये हमारी जो रीडिंग होगी वो होगी 3 इंच 2 सूत। आपको भी इसी तरीके से समझना है कि इंच का होता है उसमें 8 निशान होते हैं इंच के बीच में, और जो mm का होता है उसके सेंटीमीटर के बीच में 10 निशान होते हैं, तो इसकी रीडिंग जो होगी वो 3 इंच 2 सूत सही रीडिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, साइन बार किस तरह की माप का यंत्र है, जो साइन बार होता है वो क्या चेक करता है, तो आपको मालूम है कि जो साइन बार होता है वो टेपर कोण को चेक करता है, तो देख लीजिए इसमें लीनियर मेजरमेंट यदि आपने लगाया तो गलत है, एंगुलर मेजरमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर रेडियल मेजरमेंट जो है रेडियल, इससे कोई भी रेडियस ली जाती गलत है, फ्लैट सर्फेस, फ्लैट सर्फेस गलत है, तो ये मेजरमेंट 4 तरीके के होते हैं, लीनियर, एंगुलर, रेडियल और फ्लैट, तो इसका आंसर हो जाएगा कोणीय मेजरमेंट। डिवाइडर का क्या कार्य है, यानी डिवाइडर जो होता है सीधी नोकदार जो टूल होता है, कैलीपर जैसे मुड़ी हुई नोक वाला होता है और डिवाइडर सीधी नोक वाला होता है, तो इसे मार्किंग करते हैं, तो दोस्त क्या करते हैं 150 mm व्यास तक का वृत्त बनाना, तो इससे फर्स्ट आंसर भी हम करते हैं, वृत्त बनाते हैं, चाप लगाते हैं, कोण बनाना इससे दोस्त कोण भी बनाते हैं, मैं अभी बना के बता देता हूँ किस तरीके से बनाते हैं, भुजा को बांटना इससे हम भुजा को भी बांटते हैं, तो इसका आंसर जो है 4th आंसर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यदि आपने लगाया तो आपका सही आंसर होगा। मैं बता देता हूँ कोण किस तरीके से बनाते हैं, जैसे ये लाइन मैंने खींची इस पे हम एक नोक रखेंगे, इसका एक ऐसा चाप लगाएंगे, पेधर पर रखेंगे एक ऐसा चाप लगाएंगे, तो ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा, इस तरीके से हम कोण बना सकते हैं। अब एक भुजा को 2 भागों में मारना, तो किस तरीके से बांटेंगे, इस तरीके से हमने भुजा खींची, मान लीजिए ये भुजा हमने खींची 10 mm की, 10 mm, अब इसको हमें बांटना है, तो हम इधर पर रखेंगे एक चाप ऊपर लगाएंगे, वही चाप हम नीचे लगाएंगे, फिर हम इधर रखेंगे एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे, इसको मिला देंगे, तो ये बिना हम नापे तौली इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, फिर 2 को 4 में भी बांट सकते हैं, तो इस तरीके से भुजा को बांटा जाता है, वो बांटने को डिवाइडर कहते हैं, डिवाइडेंट, इसलिए इसका नाम डिवाइडर पड़ा है। निम्न में अलग विकल्प पहचानो, इसमें हमें अलग विकल्प पहचानना है कि अलग विकल्प कौन सा है, तो मैं बता देता हूँ देख के, आउटसाइड, डिवाइडर, तो दोस्त ये पहला मुझे अजीब टाइप का लग रहा है, तो यही मुझे अलग लग रहा है, लेकिन खैर नीचे वाले क्वेश्चन भी पढ़ता हूँ। इनसाइड कैलीपर होता है दोस्त, ये तो होता है, आउटसाइड कैलीपर ए भी होता है, जेनी कैलीपर ए भी होता है, तो पहला वाला जो है अलग विकल्प है, इसलिए पहला ही आंसर राइट आंसर होगा, क्योंकि डिवाइडर जो होता है वो आउटसाइड इनसाइड नहीं होता है, डिवाइडर सीधी नोक वाला ही होता है, उसे हम, ये तो अलग विकल्प है जो गलत वाला आंसर है, ये 3 तो होती है, नीचे वाले ऊपर वाला नहीं होता है, तो यदि आपने फर्स्ट आंसर लगाया है तो सही आंसर होगा, और यदि आपने नीचे वाले कोई चॉइस किया है तो गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डोवेल पिन या टेपर पिन किस पंच से निकाल सकते हैं, तो दोस्त जो डोवेल पिन होती है वो किसी भी सिलिंड्रिकल शाफ्ट में इस तरीके से डोवेल पिन लगाई जाती है, तो वो क्या होती है, जब लगी रहती है तो निकलती नहीं है, तो इसके लिए एक पंच का उपयोग करते हैं, और उस पंच का जो नाम होता है उस पंच को बोलते हैं हम पिन पंच, ऐसे होता है वो नोकदार नहीं होता है, यानी उसकी नीचे नोक नहीं होती है, वो हल्का सा टेपरनेस टाइप का होता है, बस रेडियस में बना होता है, तो देखिए सॉलिड पंच से तो निशान बनाते हैं तो गलत आंसर हो जाएगा, होलो पंच से किसी चमड़े और लेदर में हम कोई होल कर सकते हैं, पिन पंच इसका 3rd आंसर यदि आपने लगाया है तो सही आंसर हो जाएगा। प्रिक पंच जो होता है, एक प्रिक पंच होता है, ये एल्यूमिनियम या शॉर्ट मटेरियल में मार्किंग को स्थायी करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये 4th आंसर भी इसका गलत आंसर होगा, इसका सही आंसर 3rd आंसर होगा। मार्किंग ऑफ टेबल की सतह पर इनग्रिप्ड लाइन क्यों होती है, तो दोस्त जो मार्किंग ऑफ टेबल होती है उसमें इस तरीके की लाइनें बनी होती हैं, इन लाइनों से क्या होता है, जब किसी जॉब को सेट करना पड़ता है तो हम जॉब, जैसे मुझे कोई जॉब ऐसे रखना है तो हम ऐसे रख लेंगे, तो ये जो हमारा अच्छी तरह से सेटिंग में आ जाएगा, तो इसमें देख लीजिए दिखाओ अच्छी लगे, फर्स्ट आंसर गलत हो जाएगा, मार्किंग की जा सके तो ये मार्किंग के लिए भी कोई इसका मतलब नहीं होता, जॉब की सेटिंग आसान हो तो इसका 3rd आंसर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। टेबल का वजन कम हो, इससे वजन कम से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, किसी रोड का सेंटर किसके द्वारा मार्क नहीं किया जा सकता, तो इसमें ध्यान रखना है मार्क नहीं किया जा सकता लिखा है, तो बेल पंच से हमें इस प्रकार से, एक बेल पंच होता है इसमें एक नुक्की रहती है, इस तरीके से रहता है, इसके बीच में साफ जाती है, तो ये सेंटर में पंच में निशान लगा देता है, तो बेल पंच से तो हम कर सकते हैं, लेग एंड पॉइंट कैलीपर यानी जेनी कैलीपर से हम कर सकते हैं, सेंटर हेड द्वारा, ये कॉम्बिनेशन का जो सेंटर हेड होता है इसके द्वारा भी हम
सेंटर की मार्किंग कर सकते हैं सेंटर हेड के द्वारा जो कॉम्बिनेशन सेट में होता है। ऑल ऑल मतलब इन सभी के द्वारा भी होता है और हमें निकालना है नहीं, तो देखिए इसमें इसका आंसर होगा कोई नहीं। इसका फिफ्थ आंसर राइट आंसर होगा यदि आपने इसका इसका यानी कि हम सभी से कर सकते हैं तो नहीं वाला है, यानी किससे नहीं कर सकते, तो इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि जिसमें हम सेंटर निकाल सकें, तो इसका फिफ्थ आंसर ही राइट आंसर होगा। ध्यान से पढ़ना है, समझना है, ऑल मत लगा देना, यदि आपने ऑल लगा दिए तो आपका आंसर गलत है। किसी बेयरिंग का इनर डाया जो है वो 200 mm है, कोई बेयरिंग है इस तरीके से जैसे वॉल बेयरिंग होता है इस तरीके से, तो इसका इनर डाया जो अंदर का है ये इनर डाया है ये 200 mm है, तो इसे हमें किस कैलीपर से नापेंगे, तो दोस्त आपको मालूम है इस तरीके से हम किसी एक कैलीपर से इस तरीके से डाया को हम चेक करेंगे अंदर वाला, तो देखिए इनसाइड कैलीपर है तो इसका आंसर जो होगा फर्स्ट ही होगा। लेकिन इसका साइज देख ले, देखिए इसमें 200 mm लिखा हुआ है, तो हमें एक ऐसा ऐसा कैलीपर चाहिए जो 200 mm का इनसाइड हो, तो इसका फर्स्ट आंसर राइट आंसर होगा। आउटसाइड से आएगा नहीं, जेनी कैलीपर से आएगा नहीं और ऑल इसका होगा नहीं, इसलिए फर्स्ट आंसर इसका राइट आंसर होगा। अब हम 21 क्वेश्चन करते हैं क्योंकि 2021 चालू हो गया है, तो हम इसलिए 21 क्वेश्चन ही आज बनाए हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ें समझें। किसी कैलीपर से 100 mm चेक करना है, कोई ऐसा कैलीपर है चाहे इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो, तो हम उससे 100 mm चेक करना, मान लीजिए होल है ये 100 mm का है, ये डाया 100 mm, तो इसको हमें 100 mm चेक करना है, तो हमें कैलीपर में कितना भरना पड़ेगा दोस्त। तो कैलीपर में जैसे डिवाइडर में तो हम आधा भरते हैं, मान लीजिए हमें 100 mm का वृत्त बनाना है तो डिवाइडर में जो भरते हैं हम 50 mm भरते हैं, लेकिन ये डिवाइडर में तो हम 50 mm भरते हैं लेकिन कैलीपर में कितना भरेंगे, तो दोस्त अपना आंसर टिक कीजिए कि किसी कैलीपर से हमें 100 mm किसी साइज को चेक करना है चाहे वो इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो, तो क्या भरेंगे। तो दोस्त यदि आपने पहला आंसर 50 mm लगाया है तो आपका गलत आंसर है, आपने 25 mm लगाया तो गलत है, 200 mm लगाया तो गलत है, इसमें 100 mm भी हमें भरना पड़ेगा क्योंकि हम इसमें इस तरीके से चेक करते हैं, इसमें रेडियस चेक नहीं की जाती है, तो इसमें 100 चेक करना तो 100 भरना पड़ेगा, इसलिए यदि आपने सेकेंड आंसर 100 mm लगाया तो सही आंसर होगा। तो दोस्त ये रहे हमारे आज के 21 क्वेश्चन, तो आप पढ़ते रहिए और यदि आपको हमारा वीडियो कुछ अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो हमारे चैनल फिटर फाइटर को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।